हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं चौलाई भाजी। तो इसे इस तरह से काट लिया है धोकर के, और इसके तड़के के लिए हमने लाल मिर्ची और लहसुन और प्याज थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं इसमें डालने के लिए, तो कढ़ाई रख दी, उसमें तेल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो गया तो उसमें जीरा हींग डाल देना है, उसके बाद में लहसुन और लाल मिर्ची का तड़का लगा देना है, उसके बाद में मैंने प्याज डाल दिए थे, और प्याज को मैंने 6-7 मिनट तक पकाया था और एकदम रेड रेड हो गए थे जब वो अच्छी तरह से। उसके बाद में नमक मिर्ची मैंने डाल दिया था, तो मैं हल्दी डाल दूँगी, हल्दी पाउडर डाल दूँगी, उसके बाद में लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और अब मैं मिक्स कर लूँगी ये सब। तो सारे मसाले मिक्स कर लेना है, उसके बाद में ये भाजी डाल दी थी और मैंने नमक भी डाल दिया था, और फिर मैंने इसे ढक दिया था।